गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर पीएस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने कोरिस्पोंडिंग एंगल देखा। जैसे दो पैरेलल लाइन होते हैं एल एंड एम, और इसके बीच दो को एंगल फॉर्म होता है सेम साइड, एक ए और एक ए, तो इसको क्या बोलते हैं? कोरेस्पोंडिंग एंगल। कोरेस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। उसी तरह अगर ये लोग है और ये ट्रांसवर्सल है तो यहां एंगल बनता है और यहां एंगल बनता है, तो वो भी क्या होता है? कोरेस्पोंडिंग एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरह अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात आती है तो दो पैरेलल लाइन ये और एक एंगल यहां फॉर्म हो रहा हो और एक एंगल यहां फॉर्म हो रहा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसी तरह ऐसे मान लेते हैं ये एक एंगल अगर यहां फॉर्म हो रहा है और एक एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, तो ये भी क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसी तरह अगर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की बात आती है तो अगर दो पैरेलल लाइन है एज ए ट्रांसवर्सल डाला गया है तो एक एंगल यहां फॉर्म होता है और यहां एक एंगल फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो ये सब हम पिछले क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे, बट रिकॉल के लिए हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एक्सियोम है, वो क्या है। स्टूडेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स में जो है, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर इक्वल, यानी कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन के बीच जब ट्रांसवर्सल कट होता है, जैसे ये दो पॉइंट पे मान लेते हैं ये एल ये एम और ये जो कट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन एन, तो दो पैरेलल लाइन के बीच जब ट्रांसवर्सल कट होता है तो क्या कहता है? दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल ये और ये, एंगल वन एंड एंगल टू आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये एग्जांपल्स है, ठीक है। यानी और क्या, फिर से एक बार, दो पैरेलल लाइन के बीच जब ट्रांसवर्सल कट होता है, जैसे ये लाइन है मान लेते हैं एक्स, ये वाई, ये पी एंड ये क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू, और इसके जो
एंगल फॉर्म हो रहे हैं एक यहां और एक यहां, तो ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू बराबर होगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग जब ट्रांसवर्सल कट हो रहा है दो पैरेलल लाइन के बीच, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर इक्वल, तो इसके बीच का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ठीक इसके इक्वल होगा, यानी एक्स पैरेलल वाई, एक्स और वाई पैरेलल लाइन ठीक है। ठीक इसके विपरीत एक विपरीत है कि इफ ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस मेकिंग ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, अगर एक ट्रांसवर्सल कट जो है दो लाइन को मेकिंग पेयर बनाता है, जैसे तो क्या होता है, देन एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, देन एक्स पैरेलल वाई, यानी फर्स्ट में क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट कह रहा है स्टूडेंट्स इफ ए ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर इक्वल, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल कट होता है तो वहां जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है वो आपस में बराबर होता है ठीक है। और ठीक इसका विपरीत कह रहा है स्टूडेंट्स, रिवर्स कन्वर्स इसको बोल सकते हैं कि इफ ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस मेकिंग ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, अगर एक ट्रांसवर्सल कट होता है जब दो लाइन मेकिंग होता है और उसमें दोनों पेयर यानी दोनों एंगल जो है वन और एंगल वन एंगल टू आपस में बराबर होते हैं, तो ये क्या होता है पैरेलल होता है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि अगर पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल कट होता है और दो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है वो आपस में बराबर होता है तो पैरेलल है। सेकेंड में ठीक उसका कन्वर्स कह रहा है कि जब एक ट्रांसवर्सल खींचा जाता है तो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वन और टू अगर आपस में इक्वल होते हैं तो देन वो एक्स और वाई आपस में पैरेलल होते हैं ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक तो क्लियर हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इसके थ्योरम पे, तो थ्योरम ये हमारा कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर कोई दो पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल कट होता है तो वहां जो अल्टरनेट एंगल बनता है, अल्टरनेट एंगल जो बनता है उसका ईच पेयर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी उसके इंटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि एक पैरेलल दो पैरेलल लाइन खींचते हैं एल और एम, एक ट्रांसवर्सल कट देते हैं जिसका नाम हम लोग देते हैं एन। अब यहां हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि कितने एंगल बन रहे हैं, तो एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर ठीक है, ठीक उसी तरह एंगल फाइव एंगल सिक्स एंगल सेवन और एंगल एट, ऐसा हम आपको पिछले क्लासेस में भी बताए हैं, पिछले वीडियो में भी, जब एक ट्रांसवर्सल कट पर एंगल बनता है तो पैरेलल लाइन पर जब एक ट्रांसवर्सल कट होता है और वहां एंगल बनता है तो कुल आठ एंगल बनता है यानी एट एंगल बनता है क्लियर है। अब हम लोगों को गिवन क्या है, गिवन है
सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ट्रांसवर्सल प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ की अगर हम बात करते हैं तो प्रूफ हमको करना है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट, फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। ये हम आपको पहले ही बताए हैं अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, ये सब आपको पहले ही बता चुका है, बताया जा चुका है। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ अकॉर्डिंग टू कोरस्पोंडिंग एंगल इन जोन। अब हम लोग करते हैं यहां प्रूफ। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करेंगे हम क्या अकॉर्डिंग टू corresponding angle adjoins, corresponding angle adjoins के according अगर हम प्रूफ करते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, अल्सो वर्टिकल अपोजिट एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 वी ओ ए, यानी इससे वर्टिकल अपोजिट एंगल से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहां हम देख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 अकॉर्डिंग टू कोरस्पोंडिंग एंगल जोन्स, और आल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के अनुसार, तो 1 के इक्वल 5 है और 1 के इक्वल ही 4 है, तो ये भी इसके इक्वल रहा होगा। तो हमको प्रूफ क्या करना था, फर्स्ट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब हमको सेकेंड क्या प्रूफ करना है, फिर उसी तरह अकॉर्डिंग टू कोरस्पोंडिंग एंगल एडजोइंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, फिर सेकेंड टर्म में अगर हमको करना हो सेकेंड तो कोरस्पोंडिंग एंगल एडजोइंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 इसके, ठीक है, और अल्सो अल्सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, अल्सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये कैसे भी हो यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के अनुसार एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के अनुसार, और कोरस्पोंडिंग एंगल जो के अनुसार एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। तो हमको प्रूफ क्या करना था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, जब ये इसके इक्वल हुआ तो ये इसके इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स फिर हम लोग इसके नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।